विराट कोहली ने कोच को लेकर अभिनव बिंद्रा की यह सलाह मान ली तो सवर जाएगा उनका करियर। विराट कोहली से अनबन के चलते आखिरकार टीम इंडिया के सफलतम कोच अनिल कुंबले को अपना पद छोड़ना ही पड़ा। कई खिलाड़ियों का मानना है कि कोच का सख्त होना जरूरी होता है, क्योंकि यदि वह हाँ में हाँ मिलाएगा तो सुधार संभव नहीं होगा। वास्तव में जब कुंबले की नियुक्ति की गई थी उसी समय से विराट कोहली को कुंबले पसंद नहीं थे और वह रवि शास्त्री को इस पद पर रखना चाहते थे। इस्तीफे के बाद अनिल कुंबले की ओर से ट्वीट किए गए पत्र पर नजर डालें तो उससे समझा जा सकता है कि कुंबले अपने प्रोफेशन के प्रति कितने सजग थे और वह टीम को एक अनुशासन में रखते हुए आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कुछ खिलाड़ियों ने इसे नेगेटिव रूप में लिया और कुंबले का विरोध करने लगे। हालांकि कई खिलाड़ियों का मानना है कि कोच का सख्त होना जरूरी होता है। इनमें से एक देश को ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने कोच की महत्वता को देखते हुए विराट कोहली को संदेश देने की सलाह की है। हालांकि देश को व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिला चुके अभिनव बिंद्रा ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह ट्वीट अनिल कुंबले के इस्तीफे के बाद दिया है और कोच का महत्व बताया है। बिंद्रा के कहने का आशय यह है कि आपको कोच की बातें बुरी भी लग सकती है, हो सकता है कि आप उन्हें सुनना पसंद न करें, लेकिन वह आपके लिए उपयोगी होती है और न चाहकर भी आपको उनकी बात माननी चाहिए। गौरतलब है कि कुंबले ने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा है कि विराट को उनसे परेशानी थी। अभिनव बिंद्रा ने लिखा, मेरे कोच यूडब्ल्यूई के मेरे सबसे बड़े शिक्षक थे। मैं उनसे नफरत करता था, लेकिन मैं उनसे 20 वर्षों से जुड़ा रहा। वह हमेशा मुझसे ऐसी बातें कहते थे जो मुझे पसंद नहीं आती थी। अभिनव बिंद्रा की बात का समर्थन करते हुए बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने कहा कि कई बार यह चीजें ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होती है और मुझे याद है कि मेरे सर भी कुछ ऐसा ही करते थे और अब भी वह ऐसा ही करते हैं। गौरतलब है कि अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार रात को ट्वीट करके अपनी बात रखी थी। कुंबले ने कहा था कि टीम का कोच बने रहने के लिए क्रिकेट सलाहकार कमेटी ने मुझसे आग्रह किया था, इस बात के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। पिछले एक साल से जो कामयाबी मिली उसके लिए कप्तान और पूरी टीम मैनेजमेंट को श्रेय जाता है। मुझे कल ही पता चला कि टीम के कप्तान ने मेरे काम करने की शैली पर आपत्ति जताई है। मुझे इससे हैरानी हुई क्योंकि मैंने हमेशा कप्तान और कोच की सीमाओं का सम्मान किया है। बीसीसीआई ने मेरी और कप्तान के बीच मतभेद को सुलझाने की कोशिश की, इस पर साझेदारी को बचाए रखना अब मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं समझता हूँ इसे आगे बढ़ जाना ही ठीक है।